कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की में किस तरीके से बाजारों में कामकाज, लोहे बाजारों में कामकाज हो रहा है, तो सभी लोगों को आज, जैसे कि आज नवरात्र का पहला दिन है, तो सभी लोगों को हार्दिक नव हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव दुर्गा का पहला दिन है, बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा लोहे बाजार में, वो भी जानकारी आपको देंगे। तो सभी लोगों को एक बार फिर से न्यूज़ मार्केट 24 की पूरी टीम की तरफ से नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ में एमएस सिंगट पे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर बात करी जाए, तो पहले घरेलू बाजारों की चर्चा करते हैं, फिर आपको बताएंगे विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है और मेटल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से कास्ट आयरन एचआरसी सीआरसी क्वाइल सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर बात करी जाए, तो आपने जैसे कि देखा बीते पिछले हफ्ते बाजारों में एक जबरदस्त तेजी बाजारों में बनती हुई दिखाई दी, लेकिन कल का बाजार आपने देखा बीते शनिवार के दिन से बाजारों में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। उसी के तहत जो बाजारों में कामकाज हुआ, तो 46,700 रुपये का जो हाई बनाया और 42,000 से हाई जो बना था, 46,700 रुपये तक का हाई बना था। बाजारों में जो कामकाज हुआ था 47,000 रुपये तक हुआ था, वहाँ से हल्की फुल्की नरमी आई और 700 रुपये पर टन गिर के पहले कामकाज हुआ, कल 100 रुपये पर टन की नरमी देखी गई बाजारों में। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आ जाए, तो बड़ी गिरावट के फिलहाल संकेत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में लगातार, हमने आपको बताया, ग्लोबल बाजारों में तेजी जारी है। उसका असर आपको यहाँ घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। चीन में डिमांड अच्छी है, उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट की अगर कल की बात करें, तो 45,900 रुपये पर कामकाज हुआ, इस पर 100 रुपये पर टन की गिरावट देखी गई। एमएस स्कैप का बाजार 34,900 रुपये हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करी जाए, तो 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 38,500 रुपए रहा। लगभग 1,000 रुपए पर टन की तेजी टोका के बाजारों में भी देखी गई है। और जैसा कि आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और डिटेल लीजिए मार्केट पर किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, वहां पर प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, जो भाव हमने आपको बताया, ये 1,000 केजी के रेट है, इस पे आपको 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं चार सी सीआरसी कॉयल की क्या स्थिति है। चार सी सीआरसी कॉयल में अगर देखेंगे, तो लुधियाना चार सी कॉयल का बाजार 52,300 रुपये पर कामकाज होता हुआ नजर आया। सीआरसी कॉयल का बाजार 59,600 रुपये। गाजियाबाद चार सी कॉयल का बाजार 52,500 रुपये। सीआरसी सीट का बाजार 59,500 रुपये रहा। कोलकाता चार सी सीट का बाजार 50,700 रुपये। सीआरसी सीट का बाजार 58,600 रुपये पर कामकाज होता हुआ देखा गया। इसी के तहत ये भी जो भाव बताए हैं, इस पर रिवाइज हुए हैं। गाजियाबाद चारसी सीआरसी कॉयल में बढ़त देखी गई है बाजारों में, अन्य बाजारों में लुधियाना हो चाहे कोलकाता के बाजारों में भी, आपको आने वाले समय बाजारों में इसका, आपको जो बाजारों में तेजी आई है, उसका असर होता हुआ बाजारों में दिखाई दे के आपको दिखा यहाँ पर बाजारों में दिखाई देगा। तो अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति विदेशी बाजारों में रही। तो विदेशी बाजारों में जैसे कि आपने देखा था, बीते दो दिन चाइना का बाजार बंद था, कल बाजारों में शुरुआत जो हुई थोड़ी नॉमिनल हुई, लेकिन उसके बाद आयरन और रिवर के बाजारों में लगभग 2.5% की तेजी के साथ आज बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज जो बाजार आप देखेंगे, जो बाजारों में ऊपरी स्तर से जो नरमी आई थी, यहाँ से आपको कुछ उछाल आता हुआ बाजारों में दिखाई दे के चल सकता है। इसी के तहत अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही, किस तरीके से रायपुर एचबी वायर में कामकाज हुआ। तो पहले बता देते हैं कि आप हमको चाहे न्यूज़ यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सुबह का जो मॉर्निंग का वीडियो जो आपको एक्सक्लूसिव आता है, वो आप अगर डायरेक्ट आप पाना चाहते हैं, तो नीचे यूट्यूब के नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ डायरेक्ट वीडियो आपको मिलता रहता है, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा।
अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 49,100 रुपए हो गया, जीआई वायर का बाजार 54,000 रुपए, एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 46,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अभी जो हमने आपको रेट बताए हैं, अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की। रायपुर एचबी वायर का बाजार 49,100 रुपए, जीआई वायर का बाजार 54,000 रुपए रहा, एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 46,500 रुपए रहा। तो ये भी हमने जो आपको भाव बताए सारे बेसिक ही रेट है, इस पे आपको 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस अलग से देना होगा। अब बात कर लेते हैं टीएमटी की क्या स्थिति है, टीएमटी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 51,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। दुर्गापुर का बाजार 46,600 रुपए हो गया, बाजारों में जबरदस्त तेजी है। इंदौर का बाजार 50,700 रुपए रहा, रायपुर का बाजार 47,400 रुपए, अगर जयपुर की बात करेंगे तो 49,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 49,000 रुपए, भावनगर का बाजार 50,400 रुपए, जबकि आप गाजियाबाद की अगर बात करें तो 50,500 रुपए, जलना का बाजार 50,600 रुपए, पटना टीएमटी 48,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात करेंगे क्या स्थिति स्पॉन्ज आयरन की रही, तो स्पॉन्ज आयरन मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन 33,200 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 30,200 रुपए, रायपुर का बाजार 30,200 रुपए, रायपुर का बाजार अगर देखेंगे तो रायपुर का बाजार भी 32,000 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आया। राउरकेला का बाजार 29,500 रुपए हो गया। तो सभी स्पॉन्ज आयरन के बाजारों में भी तेजी देखी गई, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिलेगा। जब रॉ मटेरियल के भाव बढ़ते हैं तो सीधा सीधा इंपैक्ट आपका फिनिश प्रोडक्ट पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं मेटल बाजार की। मेटल बाजारों में भी आप देखेंगे जोरदार तेजी है। कॉपर का बाजार 816 रुपए तक होता हुआ दिखाई दिया, लेड का बाजार 187 रुपए, एल्यूमिनियम 223 रुपए के आसपास रहा, जबकि जिंक का बाजार 235 रुपए 30 पैसे पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक आप अगर देखेंगे तो मेटल बाजारों में भी तेजी है। विदेशी बाजारों में चाइना के बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की अगर बात कर लेंगे तो सोने चांदी में भी बाजारों में जबरदस्त तेजी है। 71,000 के ऊपर सोने का भाव, लगभग 82,000 के आसपास चांदी का बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट पे जबरदस्त तेजी के साथ, बढ़त के साथ ग्लोबली इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है उसका असर यहां पर घरेलू बाजारों में भी साफ साफ देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो आज के अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 45,600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 46,400 रुपए, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 34,600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 35,400 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक में लोहे का बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया किसी भी रेट की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप है, ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। आप भी अगर रेट्स की जानकारी जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाइए और जाके आप डिटेल ले सकते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।